इलाज को आगे कहीं, क्योंकि उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो इलाज को किस तरीके से कैरिंग फॉरवर्ड किया गया है और कितना सुधार अभी तक में नजर आया है इसके बारे में? अभी तो जस्ट 24 आवर्स हो रहे हैं, तो 24 आवर्स में ऐसे सिचुएशंस में सुधार देखना मुश्किल है, पर मॉर्निंग में थोड़ा डिटीरियरेशन दिखा हुआ था, प्राइमरीली वो इन्फेक्शन की वजह से। डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि यू कैन प्रिपेयर्ड एनी टाइम, एनीथिंग कैन हैपन। वेल, सपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहूंगी। इस वक्त आप आदिल और राखी के साथ में हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे वाहिद भाई है और देखिए, ये जो सपोर्ट जो है, ये उन्होंने नाम जोशी जी से बात की कि नाम जोशी जी, जो भी इलाज होता है, जैसा भी इलाज होता है, आप कीजिए। तो आई थिंक ये आपको राखी बता पाएंगे। सारे मम्मी का पूरा ख्याल रख रहे हैं, क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में है और हम लोग हमेशा यहीं पे आते हैं। बट डॉक्टर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जितना भी जो इलाज में खर्चा आ रहा है, दीपक जी एंड भरत जी जो है वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं कैंसर के लिए। इनका एनजीओ सामने आया, क्रिटिकेयर और भरत जी का। वेल, राखी, कल आपने कहा था कि अंबानी जी की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है या हेल्प मिल रही है, कुछ उसके बारे में बताना वो उन्हीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, ये जो थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो गया था कहीं, ये जो राधे मीरा ट्रस्ट है, ये भरत जी मेहरा जो है वो संभालते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय पीरामल जी, अजय पीरामल जी। तो अजय पीरामल जी और अंबानी एक रिलेटिव है, तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन देख सकते हैं। तो उन्हीं की फैमिली है, तो मैं उनको, इट्स फ्रॉम द सेम फैमिली, इट्स द सेम फैमिली। जो राधे मीरा राखी का वहाँ को मिलने आया था, डॉक्टर आके मिलने आया था, बिकॉज उनकी हालत नहीं है कि वो समझ पाए, वो बेहोशी की हालत में है। बट हमारी बदनसीब भी है कि हम उसे मिल लिया, हमारे जो भी हमारा खुशी का माहौल है हम उनको बता नहीं पा रहे हैं। आई होप शी गेट वेल सून एंड रिकवर्स, बिकॉज राखी बहुत ज़्यादा करीब है उसकी माँ को, मैं जानता हूँ ये बात। राखी देखी नहीं जा रही है, बहुत ही लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे, कह नहीं पा रही हूँ मैं कौन सी स्थिति से गुजर रही हूँ, मैं खुद, मुझे खुद ही होश में नहीं हूँ मैं। बट मैं स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और स्टेज बहुत ही खतरनाक है मेरे लिए। आई कांट से आप लोग सब दुआएं करें, उनको दुआओं की जरूरत है। दवा असर करना कम करती है और दवाओं ने असर करना कभी भी बंद कर सकते हैं। तो आप लोग दुआ कीजिए, राखी के जितने भी चाहने वाले फैंस हैं, परिवार है, सबसे एक ही अनुरोध है कि लगातार दुआ करें। बहुत कुछ हो सकता है, दुआ ही सब कुछ होती है। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, राखी जी, इसके पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था आपकी माँ का, उसके बाद में लगा था कि ठीक हो जाएगी, फिर क्या हो गया? कैंसर का सलमान भाई ने करवाया था डॉक्टर संजय जी से, और पूरा क्योर हो गया था, लेकिन रुक पाता, कोई भी बेटी नहीं रुक पाई थी, ना बेटी ना बेटा, क्या कर सकते हैं। यकीन नहीं होता, मेरी माँ मुझे डांट नहीं रही है, यकीन नहीं होता, माँ मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे पहचान नहीं रही है, यकीन नहीं होता, सॉरी। अब से मम्मी को चिल्ला रही हूँ मैं, मेरे पुराने नाम से नीरू आ गई, क्योंकि मम्मी हमेशा नीरू नीरू कहती, मेरा घर का नाम है। मैंने कहा मम्मी आ गई, नहीं पहचान रही, नहीं पहचान रही।